नमस्ते सस्रियाकाल सलाम अलैकुम केंजो कसका खेमोनाचो। स्वागत है आपका फैक्ट की दुनिया में जिसका नाम है फैक्ट मान्या। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर धरती अपने एक्सेस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल धरती का अपने एक्सेस पर घूमना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धरती के एक्सेस पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। जब धरती अपने एक्सेस पर घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और रोटेशन होने के कारण ही हर 24 घंटे में दिन और रात पाई जाती है, मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ये ऐसा होता कैसे है? धरती के घूमने से दिन और रात में फ़र्क कैसे आता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि ये सूरज है और ये हमारी धरती है। अगर तो ये रोटेट कर रही है तो ये सूरज के आसपास ऐसे चक्कर काटती जाएगी। कुछ समय के लिए इसके इस हिस्से में दिन होगा, क्योंकि इस हिस्से को सीधी सूरज की रोशनी मिल रही है और पिछले को नहीं मिल रही, इसलिए वहाँ पर अंधेरा होगा। और जब ये रोटेट करेगी तो घूम कर पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और वहाँ पर दिन हो जाएगा और आगे वाले हिस्से पर रात। लेकिन वही सोचिए, अगर धरती रोटेट करना बंद कर दे और वो अपनी जगह से ना हिले तो यहाँ पर हमेशा के लिए दिन रह जाएगा और पीछे वाली जगह पर हमेशा के लिए रात। और इसलिए रात और दिन की इस तरह से फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, सिर्फ 40 मिनट की रात। और इस देश का नाम है नॉर्वे। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए, ये पूरे साल के लिए नहीं होता है। 40 मिनट की रात यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही होती है, और वो दिन है 21 जून। दोस्तों, अब आपके मन में एक और बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर कुछ ज़्यादा समय के लिए रात भी रहे तो क्या आ जाता है, क्योंकि दिन का महत्व तो सिर्फ इतना ही है कि दिन में हमें रोशनी मिलती है जो कि रात में नहीं मिल सकती, क्योंकि दिन में सूरज है लेकिन रात में वो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिन का हमारे लिए बहुत महत्व है। ये कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इतना तो आप सब जानते हैं कि सूरज दिन में होता है और रात में नहीं। और ये भी आप सब जानते होंगे कि पौधों को अच्छे से ग्रो करने के लिए सूरज की लाइट चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब पौधे ग्रो करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अच्छी ग्रोथ के लिए नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सूरज की लाइट से, और इसी कारण वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन वहीं आप सोचिए, अगर सिर्फ रात हो कुछ दिनों के लिए और दिन ना हो, मतलब आसमान से सूरज गायब है, पौधों को उनकी वो नरिशमेंट, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। दोस्तों, पौधे किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे क्रॉप्स हो, पेड़ हो, बुशेस हो, या फिर किसी भी तरह का हो। और आप खुद सोचिए, जब क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, तो हम इंसान क्या खाएंगे? क्योंकि क्रॉप्स से ही तो वो सब चीज़ें उगती हैं जो हम खाते हैं, फिर चाहे वो दालें हों या फिर सब्जियां हों। और पेड़ों से भी तो हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मेडिसन और भी कितनी चीज़ें जिनके हम ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर दिन ना हो तो क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे नहीं और हम ह्यूमंस को वो सब मिलेगा नहीं जो हमें चाहिए, और इसी कारण धरती पर जीवन ख़त्म भी हो सकता है। दोस्तों, अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि दिन और रात दोनों की एक समान इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। लेकिन दोस्तों, धरती का घूमना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके सिर्फ इतने से ही कारण नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, जो कि है हमारे यहाँ पर बदलते हुए मौसम। ये तो आप सब जानते हैं कि साल में हर कुछ महीनों बाद मौसम बदलते हैं। कुछ महीने गर्मी रहती है, फिर सर्दी, फिर रेनी, फिर ऑटम और स्प्रिंग, ये मौसम ऐसे बदलते रहते हैं। जब मौसम बदलते हैं, ये किस कारण बदलते हैं, मैं बताती हूँ। दरअसल जब धरती सूरज के आसपास चक्कर काटती है तो हम उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं, और रेवोल्यूशन के कारण ही मौसम बदलते हैं। लेकिन दोस्तों, रेवोल्यूशन के कारण मौसम तो बदलते हैं, लेकिन इसमें रोटेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब धरती के अपने एक्सिस पर घूमने का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जब तक धरती अपने एक्सिस पर अच्छे से नहीं घूमेगी तो मौसमों के बदलाव में गड़बड़ भी हो सकती है, जिससे धरती के टेम्परेचर में कुछ ऐसे हालात आ सकते हैं कि कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और कभी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है, जिससे ह्यूमन सर्वाइवल अर्थ पर कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती का अपने एक्सिस पर घूमना क्यों ज़रूरी है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।